गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 3 का इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 1 है हमारा सेंटेंसेस, मतलब वाक्य। सेंटेंसेस मतलब वाक्य। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि वाक्य होता क्या है। तो वाक्य वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का वो समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल है, देव इज रनिंग ऑन द रोड, आई एम अ स्टूडेंट, दे सिंग ए सॉन्ग, वी आर इंडियंस। मतलब देव सड़क पर दौड़ रहा है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, वे गाना गा रहे हैं, वी आर इंडियंस, हम लोग भारतीय हैं। इस सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग निकल रहा है, तो ये सारे क्या हो गए, सेंटेंस हो गए। बट यहाँ पे आप देखिए, आई एम टीचर, आई ए सिंग सॉन्ग सिंग, वी इंडियंस, देव रनिंग रोड, इस वर्ड, इस ग्रुप के वर्ड का कोई मीनिंग, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये सारे क्या हैं, आपको सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। असर्टेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है कथनात्मक सेंटेंस वाक्य। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव, आज्ञा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव, इच्छा बोधक वाक्य। एक्सक्लामेटरी, तो विस्मयादि वाक्य। अब है ये, आपके बुक में इसका मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। अब है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अब सेंटेंस के पार्ट देखिए। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट जो होता है, इट इज द पार्ट विच टेल अबाउट द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस का, वो पार्ट, वो भाग होता है, मतलब कोई वस्तु या व्यक्ति का जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि रोहन फ्लाइज अ काइट, रोहन पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग उड़ा कौन रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, रोहन के बारे में, तो रोहन इसमें क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के पहले में आता है। फर्स्ट वर्ड जो होता है सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट होता है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो प्रेडिकेट के बाद भी आता है, जो सेंटेंस में प्रेडिकेट के बाद भी सब्जेक्ट कभी कभी इन आ जाता है। जैसे एक सेंटेंस होता है, हेयर कम्स योर कार। तो यहाँ देखिए, हेयर कम्स योर कार, इसमें हमको ये बताइए बात हो किसके लिए रही है, तो कार के लिए हो रही है, तो कार यहाँ क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये बहुत रेयर केस में है कि प्रेडिकेट के बाद सब्जेक्ट आता है। जनरली सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस का, सेंटेंस के फर्स्ट में ही आता है। अब है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता है द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि रोहन फ्लाइज ए काइट, तो रोहन क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग क्या, ये पतंग उड़ाना क्या हो गया, प्रेडिकेट, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तो योर टीचर्स क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब देखिए, ये उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, इसको हमको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। योर पेरेंट्स ओबे, तो ओबे योर पेरेंट्स, मतलब अपने माता पिता की हमको क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। सिट एंड हेयर कम, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, लेकिन इसको अगर हम सही करके लिखें, कम हेयर एंड सिट, तो इसका मीनिंग हो गया, यहाँ आओ और यहाँ बैठो। इट इज नेशनल
इट इज नेशनल पिकॉक द बर्ड इंडिया ऑफ, कोई मतलब नहीं है तो क्या होगा, पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसका मीनिंग निकल गया। रिंगिंग द इज प्यून बेल अ, कोई मतलब नहीं निकला तो इसका कैसे होगा, ए प्यून इसका हो जाएगा, ए प्यून इज रिंगिंग द बेल, ए प्यून इज रिंगिंग द बेल, गिव्स द काउ अस, गिव्स द अस काउ मिल्क, तो इसका होगा द काउ गिव्स अस मिल्क, द लीव बर्ड्स द इन नेस्ट्स, तो इसका होगा द बर्ड्स लीव इन द नेस्ट्स, द लुकिंग इज ब्राइड प्रिटी, द ब्राइड इज लुकिंग प्रिटी, द राइट्स द पोइट पोइट्री, द पोइट राइट्स द पोइट्री। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप लोग अपनी बुक में फिल कीजिए। नेक्स्ट जो है इसका एक्सरसाइज वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।